हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी का डिस्कशन हम अच्छे से कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी और एनवायरमेंट की। हम सभी को पता है कि एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं वह ज्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ज्योग्राफी से परंपरागत चीजों से ज्यादा पूछ लिया जाता है या फिर मैपिंग वाले सेक्शन से पूछा जाता है। 2015 तक के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम बात करेंगे 2014 के क्वेश्चन का। तो आइए जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है। तो देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो वेटलैंड्स के लिए जो रामसर कन्वेंशन है जब हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की, तो इसके अंतर्गत एक लिस्ट आती है या एक सूची आती है जिसे हम मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत या इस सूची के अंतर्गत उन आर्द्र भूमियों को, उन वेटलैंड्स को रखा जाता है जो या तो मानवीय हस्तक्षेप के कारण नुकसान जिन्हें पहुंच रहा है या पहुंचने की संभावना है, जिनको हानि पहुंचने की संभावना है, उन स्थानों को, उन आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट है। भारत में चिल्का लेक को इसमें रखा गया था और जो राजस्थान में केवला देव है भरतपुर में, उसको भी इसमें शामिल किया गया था। चिल्का लेक को इससे हटा दिया गया है क्योंकि उसके संरक्षण को लेकर काम सही चल रहा है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की, तो मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होने की संभावना है, ऐसी आर्द्र भूमि को हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है पूछ रहा है। यह रामसर अधिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। तो आप ध्यान रखेंगे वेटलैंड्स इंटरनेशनल अंतर सरकारी संगठन नहीं है, यह एक प्रकार का एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन यह है, एनजीओ है। तो इसको हमें बात को ध्यान रखना है, तो इसको हमने गलत कर दिया। बाकी यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। यह बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि यहां पर दी हुई है, वेटलैंड और नदियों का संगम दिया हुआ है। हरिके आर्द्र भूमि कहां पर है, व्यास और सतलज के संगम पर है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, हरिके, ठीक है। केवला देव राजस्थान, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभयारण्य है, पक्षियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, मानव निर्मित एक झील या एक आर्द्र भूमि से कहा जा सकता है। और यह कहां पर है, भरतपुर राजस्थान में है, लेकिन बनास और चंबल नदियों के संगम पर नहीं है, यह एक मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित आर्द्र भूमि है ना राजस्थान में, तो इसको हम नदियों के संगम वाली बात से हटा देंगे। कोलेरू झील की बात करें तो मूसी और कृष्णा दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन पे, इसके डेल्टा के बीच में है ना, तो कृष्णा और मूसी भी यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य में परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में नहीं थे। तो एक ऐसा स्थान जहां पर जैव विविधता का संरक्षण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ मनुष्य की जो परंपरागत जीवन
परंपरागत जीवन है, पर्यावरण से उसकी निकटता को लेकर इस तरह की अवधारणा में कहां देखने को मिलती है? तो हम देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जीव मंडल रिजर्व है ना, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इस तरह का एक तालमेल प्रकृति में और मानव में। हम क्या करते हैं कि एक कोर एरिया को तो संरक्षित करते हैं पूरी तरह से, लेकिन बायोस्फीयर का जो दूसरा एक एरिया होता है ट्रांजिशन फेज, वहां पर हम वहां के लोकल लोगों को रहने की आजादी भी देते हैं। तो जीव मंडल रिजर्व के अंतर्गत यह बात बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। वैज्ञानिकों का यह कहना है यदि विश्व तापमान से तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। जलवायु परिवर्तन की यह बात कर रहा है और कह रहा है कि अगर हमारा पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए पूर्व औद्योगिक स्तर से तो उसके असर हमारे ऊपर क्या हो सकते हैं। स्थल जीव मंडल का एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। बिल्कुल, कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होगा जबकि हमारे पास ऐसी स्थितियां कम रहेगी कि कार्बन को हम क्या कर सके, कम कर सके। तो ये बात बिल्कुल ठीक है ना। विस्तृत प्रवाल मृत्यता घटित होगी, यानी प्रवाल विरंजन जैसी चीजें, अभी भी हम देखते हैं कि तापमान 1 से 1.5 डिग्री बढ़ा है और प्रवाल विरंजन जैसी घटनाएं बड़ी मात्रा में होना शुरू हुई है। तो अगर तापमान 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा, 3 डिग्री बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यह तो विस्तृत रूप में इनकी मृत्यु होगी प्रवालों की। ये बात भी बिल्कुल सही है। सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमियां स्थायी रूप से विलुप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। हो सकता है इसके बाद भी कुछ जगह अपने आप को अनुकूलित कर ले, एडेप्ट कर ले, एडोप्टेशन उनका हो जाए, लेकिन सभी की बात कर रहा है और स्थायी रूप से लुप्त हो जाएगी तो ये थोड़ी सी एक्सट्रीम कंडीशन है, इस तरह की संभावना हम नहीं जता सकते। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी, तो ये बात भी गलत है। अभी जो वर्तमान में बहुत ज्यादा ठंडे इलाके हैं, हो सकता है तापमान बढ़ने से वहां पर खेती जैसी संभावनाएं पैदा हो जाए, लेकिन विश्व में कहीं भी नहीं होगी ऐसी बात हम नहीं कह सकते। तो 3 और 4 को हम हटा देंगे, पहला और दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और विश्व विरासत अभिसमय, यूनेस्को जैसी बात ये कर रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो बात होती है, और ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो UNCCD की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से जैव विविधता से संबंध रखता है। तो आप देखोगे कि जैव विविधता संरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये तीनों ही हमें काम करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। यह बात तो ठीक है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसका क्या किया गया था, इसकी इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का, यह बात तो ठीक है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी, यानी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन भी हम इसे कहते हैं, गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण जो अथॉरिटी है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की, तो इसका गठन 1962 में किया गया था, 1962 में, और 1962 में जो क्रूरता निवारण अधिनियम है 1960 का, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया था या इसका गठन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसका गठन नहीं हुआ था। तो पहला हमने गलत कर दिया, दूसरा और तीसरा हमारा सही है, बी हमारा आंसर यहां पर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। तो हमने इसके बारे में चर्चा भी की है कि BNHS जो है एक इम्पोर्टेंट संस्था है, लेकिन यह एक NGO है, सरकार के अधीन यह काम नहीं करता है ना, गैर सरकारी संगठन यह है। तो एक जहां गलत हो जाता है तो फिर दो ऑप्शन हमारे हट जाते हैं। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता, कहना ज्यादा बेहतर है, लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। तो 2 और 3 हमारा सही है, पहला हमने गलत कर ही दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक बात हमने पहले भी चर्चा की है, 1992 में हम एक सम्मेलन करते हैं पर्यावरण को लेकर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, राइट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में हम देखते हैं कि जो हमारे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इसको लेकर हम 3 संस्थाओं की स्थापना करते हैं, 3 कन्वेंशंस की, और वो कौन सी है, UN कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, UNCCD है डिजर्टिफिकेशन को, मरुस्थलीकरण को रोकने को लेकर, और फिर एक और है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो जब हम इनका इनकी स्थापना करते हैं तो एक बात निकल कर आती है कि इनको वित्तीय सहायता किस तरह से हम देंगे, इनकी जो वित्त व्यवस्था होगी इन तीनों कन्वेंशन की, उसका किस तरह से काम होगा। तो इनको वित्तीय सहायता देने के लिए हम एक और संस्था की स्थापना करते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो इन संस्थाओं को, और साथ में जब इसमें और जोड़ा जाता है, वर्तमान में 5 कन्वेंशंस को वित्तीय सहायता या वित्त प्राप्त कराता है, कौन, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। 3 तो हमने देख ली, फिर एक जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन बात करता है POPs को लेकर, जो परमानेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं उनकी बात करता है, उनको उनको खत्म करने को लेकर, और एक और है मिनामाता कन्वेंशन जो पारे को लेकर बात करता है, पारे की किस तरह से उपयोग हमें करना चाहिए या किस तरह से हमारी खाद्य श्रृंखला में पारा शामिल होता है ना। तो इन 5ों को वित्त की सहायता प्रोवाइड करवाता है GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो यह है जैव विविधता पर अभी समय, यानी क्लाइमेट चेंज वाली, सॉरी CBD वाली, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभी समय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यह बात आपकी बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा है कि दंपा टाइगर रिजर्व कहां पर है, मिजोरम में, गुमती वन्य जीव अभयारण्य क्या सिक्किम में है, आपको पता होना चाहिए गुमती वन्य जीव अभयारण्य त्रिपुरा में है, और सारामती शिखर नागालैंड के चोटी का, नागालैंड पर एक पर्वत शिखर कहा जाता है मतलब में। तो यहां पर अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा गलत हो जाता है, और 1 और 3 हमारा सही है, सही हमसे पूछा है, सी हमारा उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट, गंगा की डॉल्फिन की समष्टि में, यानी गंगा डॉल्फिन की जनसंख्या में या उनकी संख्या में ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है। यहां पर ऑलमोस्ट सभी आपको लगेंगे कि नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, बिल्कुल सही है, नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, ये एक स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस दौरान अगर आप देखें इस परिप्रेक्ष्य में तो मगरमच्छों की संख्या में हमें कमी नजर आती है, ना कि वृद्धि, और ये कारण नहीं है गैंगेटिक डॉल्फिन के कम होने का, तो इसको हम हटा देंगे।
संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना ये बड़ा कारण है। नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल, इससे क्या होता है, वह पानी बहकर नदियों में आता है और उस पानी के यूज से इनकी संख्या में कमी आती है, इनकी मृत्यु होना शुरू हो जाती है। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन दूसरा हमने हटा देना है। 1, 3 और 4 हमारा आंसर सही है, ऑप्शन सी में हमें ये नजर भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है, बांज, गुरुंश या चंदन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको टफ लगे, लेकिन अगर एक कॉमन सेंस वाली आप बात देखोगे ना, हम कम से कम इतना तो जानते हैं कि चंदन हिमालय में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। चंदन तो एक उष्ण कटिबंधीय वन है, एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। तो चंदन तो हम इलिमिनेट कर सकते हैं बहुत आराम से, और जब आप चंदन को इलिमिनेट करते हो तो 3 ऑप्शन आपको हटा दिए गए हैं यूपीएससी के द्वारा, आंसर आपका मिल जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले यानी 1 महीने चलने वाले अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समुदाय या जनजाति है। तो जब आप बात करोगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की दो जनजातियां या दो समुदाय जिन्हें हम कहते हैं गोंड, गोंड नहीं है ये, गोंड है, गोंड एंड कोरकू, ठीक है। तो गोंड एवं कोरकू ऐसे समुदाय हैं कि मानसून में, प्रत्येक वर्ष मानसून में एक त्योहार मनाते हैं, हरी जीरोती, हरी जीरोती, और यह हरी जीरोती 1 महीने तक चलता है और इसके अंतर्गत जो वृक्ष फल देते हैं उन वृक्षों के पौधों को रोपित किया जाता है। यह एक अच्छा, देखिए त्योहार भी कितने अच्छे हैं जो पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं, पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे हैं। जनजातीय लोग कितना एडवांस है इस चीज को लेकर, है ना। तो एक महत्वपूर्ण त्योहार गोंड एवं कोरकू को लेकर यह बात बिल्कुल करेक्ट है। एमपी के अंतर्गत, एमपी राज्य के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग, यहां पर इसे सही कर सकते हैं, अरब स्प्रिंग, मूलतः किस देश से शुरू हुई। तो 2010 में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, और अरब स्प्रिंग जो शुरू हुआ था वो लीबिया, सॉरी ट्यूनिशिया से शुरू हुआ था। एक वैश्विक घटना है, वैश्विक परिदृश्य में इसे देखा जाता है, तानाशाही वगैरह को लेकर यह घटना है। तो ट्यूनिशिया से अरब स्प्रिंग हमें शुरुआत देखने को मिलती है 2010 में। करंट अफेयर्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आर्कटिक काउंसिल को लेकर। आप सभी को पता होगा जो उत्तर में, हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो आर्कटिक सर्किल है, उस सर्किल के अंतर्गत जो कंट्रियां आती है ना, उनको हम आर्कटिक काउंसिल के रूप में जानते हैं। 8 कंट्रीज इसके अंतर्गत हम देखते हैं, 8 देश, और वो 8 देश आपको पता अगर होगा तो ये सारे आप आराम से चेक कर सकते हैं। आप एलिमिनेट कर सकते हैं जापान को बहुत अच्छे से कि जापान तो कम से कम नहीं है, और यूके भी, यूनाइटेड किंगडम भी आर्कटिक कंट्रीज में नहीं आता, फिर आपका उत्तर अपने आप आ जाएगा। डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड वाला भाग है ना, ग्रीनलैंड वाला भाग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। रशियन फेडरेशन का इतना बड़ा भाग है ये आर्कटिक में आता ही है, और यूएस का भी आता है, ठीक है। इसके अलावा कनाडा है ना, कनाडा है, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, वो सारी चीजें उधर है ही, फिनलैंड है, अमेरिका हो गया, नॉर्वे भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये देश है। 1, 3 और 5 हमारा आंसर सही है, डी हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। क्षेत्र जो प्रायः समाचारों में आते हैं और कौन से देश से संबंधित है। चेचन्या का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, रशियन फेडरेशन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है।
दारफर की अगर आप बात करेंगे या दराफर की अगर आप बात करेंगे, तो आप पाते हैं जो सूडान है, या और स्पेसिफिक होना चाहे तो पश्चिमी सूडान में ये क्षेत्र हमें चर्चा में रहता है, देखा जाता है, ठीक है। और स्वात घाटी तो शायद ज्यादा इजी है, हम देखते हैं पाकिस्तान में स्वात घाटी में देखने को मिलती है, जो खैबर पख्तूनवा प्रांत है पाकिस्तान का, वो उस क्षेत्र में स्वात घाटी में देखने को मिलती है। ओके, फिर आगे चलते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हुआ, ओनली वन। भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, तो ये गलत है। चांगपा आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, ठीक है। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं, उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि चांगपा समुदाय जम्मू कश्मीर में हमें मिलता है, उत्तराखंड में नहीं। तो दो और तीन हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। आप सभी जानते हैं प्रवाल भित्तियां हमें यहाँ पर मिलती है चारों जगह पर ही, तो एक दो तीन चार हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ नगर आपको दिए गए हैं, आपको नीचे से यानी दक्षिण से उत्तर का क्रम बताना है। बैंकॉक, हनोई, जकार्ता और सिंगापुर। आइए देखते हैं, आराम से देखेंगे मैप पर ही इनको चेक करेंगे हम। ये हमारा दक्षिण पूर्व एशिया वाला भाग है, मैंने इसको और ज्यादा जूम कर दिया ताकि हमें वो चार शहर दिख सके अच्छे से। तो आप देखते हैं कि जकार्ता सबसे नीचे में देखने को मिलता है, जावा आइलैंड पर है, इंडोनेशिया का पार्ट है। फिर आप सिंगापुर को देखते हैं, उत्तर से नॉर्थ से हमें क्या दक्षिण से हमें उत्तर जाना है। फिर एक क्या था, फिर बैंकॉक था, और इसके बाद में हमारा एक हनोई था आई थिंक, हनोई। तो ये चार शहर है, जकार्ता सबसे नीचे है, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हनोई। ओके, तो देखते हैं हमारा आंसर। जकार्ता हमने देखा था सबसे नीचे था, जकार्ता सबसे नीचे, फिर हमने देखा सिंगापुर, फिर हमने देखा था बैंकॉक, और फिर हमने कहा हनोई। तो दो पे 3 4 1 2 हमारा उत्तर है, 3 4 1 2 सी में हमें देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, पृथ्वी काल यानी इसको आप समझो, शायद यहां आप कंफ्यूजन है, अर्थ आवर, अर्थ आवर, ये एक तरह से पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता के लिए एक स्टेप होता है। हर साल मार्च महीने का जो आखिरी शनिवार होता है, मार्च का जो लास्ट शनिवार होता है, लास्ट सैटरडे, इस लास्ट सैटरडे में क्या होता है, 8:30 बजे से 9:30 बजे रात को, 9:30 बजे तक अपने घरों की लाइट बंद कर दी जाती है, ताकि एक मैसेज जाए किसको लेकर, एक मैसेज जाए हमारे काम को लेकर, यानी पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक मैसेज हम दे सके। तो क्या है, यह यूएनईपी तथा यूनेस्को का एक उपक्रम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अर्थ आवर मनाया जाता है, यह यूएनईपी का नहीं है, वर्ल्ड वाइड फंड WWF का यह एक कार्यक्रम हम इसे कहेंगे, ठीक है। तो पहला तो हमने गलत कर दिया, पहला गलत है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष
एक निश्चित दिन एक घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। हमने बात की मार्च महीने की, हर साल मार्च महीने की आखिरी शनिवार को, अंतिम शनिवार को हम बात करते हैं, रात को 8:30 से 9:30 बजे तक अपने घरों की लाइट बंद करके हम पर्यावरण संरक्षण के लिए मैसेज देते हैं। ये बात ठीक है, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। बिल्कुल ठीक है, दूसरा और तीसरा करेक्ट है, पहला हमें गलत था जो हमने कर दिया। आगे बढ़ेंगे। एक आसान सा सवाल जो जियोग्राफी के सबसे शुरुआती क्लासेज में हम पढ़ते ही हैं, क्या है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल की जो हम बात करते हैं द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो आपको पता है 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को अलग करता है, लिटिल अंडमान को अलग करता है, ये हो गया हमारा 10 डिग्री चैनल, किससे? कार निकोबार से, कार निकोबार। तो जब आप इसमें देखेंगे तो किसको? अंडमान से निकोबार को अलग करता है। ऊपर इससे उत्तर में अंडमान द्वीप है, अंडमान द्वीप के जितने भी द्वीप हैं वो है, इसके नीचे में निकोबार द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। हम सबको मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, लेकिन 10 डिग्री चैनल ऊपर अंडमान को अलग करता है, नीचे निकोबार को अलग करता है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? तो जीवों के विकास को महाद्वीपीय विस्थापन ने भी प्रभावित किया होगा और हिमानी चक्र ने भी प्रभावित किया होगा। सिंपल सी एक समझदारी वाली बात तो ये है। तो एक और दो दोनों हमारा यहाँ पर सही आंसर है। इसमें कुछ टेक्निकल जैसा कुछ नहीं था, एक कॉमन सेंस वाली बात थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यह अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। चमगादड़ है, भालू है और कृंतक या रोडेंट है। उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? हाँ, जब आप बात करते हैं शीत निष्क्रियता की, तो पोलर रीजन में या जैसे जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पर इस प्रकार के भी कुछ जीव पाए जाते हैं कि जब ठंड एक्सट्रीम लेवल पर होती है तो वो अपने आप को निष्क्रिय कर लेते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को कम कर लेते हैं, एक बार खाना खाते हैं और निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। फिर जब ठंड थोड़ी कम होती है, उनके अनुसार बाहर का मौसम ठीक होता है, तो फिर वापस वो जग जाते हैं। काफी टाइम तक, लंबे समय तक अपने आप को निष्क्रिय कर लेते हैं, कई महीनों तक, है ना। तो यह शीत निष्क्रियता होती है, और शीत निष्क्रियता की जब आप बात करोगे तो चमगादड़, भालू और कृंतक इस तरह के सभी जानवर हैं जिनमें शीत निष्क्रियता पाई जाती है। तो सी हमारा आंसर होगा, 1, 2 और 3 सभी। ओके, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? यानी वह कौन सी जलवायु है जिसके अंतर्गत पवन उत्क्रमित हो जाती है? हम देखते हैं भारत में जो मानसून आता है, भारत जिस स्थिति में, जिस अवस्थिति में, वहां पर किस तरह की पवने होनी चाहिए? उत्तर पूर्वी पवने होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब मानसून आता है तो इन पवनों का पैटर्न चेंज होकर दक्षिण पश्चिम हो जाता है, इस तरह से पवने चलने लग जाती है। तो मौसम के अनुसार पवने उत्क्रमित हो गई, पवने चेंज हो गई, ऐसा कौन से जलवायु में होता है? भारत में कौन सी जलवायु है? भारत में मानसूनी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। और मानसून जलवायु के अंतर्गत मौसम के अनुसार पवनों में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा जा रहा है, सी हमारा उत्तर होगा। अगर आपको भारत की मानसून, भारत की जलवायु का पता होगा तो आंसर बहुत आसान था। फिर बात करते हैं, टर्की यानी तुर्की किनके मध्य स्थित है? तो इजी सा क्वेश्चन है, काला सागर, कला नहीं है, काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में, है ना। अगर हम बात करें तुर्की के उत्तर, थोड़ा सा पूर्व काला सागर आपको नजर आता है, और दक्षिण हिस्से में, दक्षिण पश्चिम हिस्से में भूमध्य सागर आपको देखने को मिलता है। बी हमारा सही उत्तर। भारत में मृदा अपक्षय की समस्या, भारत में
मृदा अपक्षय की समस्या निम्नलिखित में से किससे या किससे संबंधित है? तो वेदिका कृषि, वेदिका कृषि तो मृदा को ज्यादा बेहतर बनाने का काम करती है, अपक्षय का काम यहाँ पर नहीं है, मृदा को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो ये तो नहीं है। वनोन्मूलन के कारण मृदा खराब होती है, मृदा में अपक्षय होना शुरू होता है, वनोन्मूलन। और जलवायु का इसमें हम रोल नहीं कहेंगे, क्योंकि जलवायु तो उष्णकटिबंधीय जलवायु कहीं की भी हो, मृदा को डायरेक्ट इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी जितना वनोन्मूलन करता है, अपक्षय वाले क्षेत्र में ज्यादा है ना। हालांकि मृदा उसके अनुसार तो होती है, लेकिन मृदा में जो अपक्षय की बात हम करते हैं तो जलवायु के बारे में उसको हम नहीं कह सकते। तो एक ही हमें कारण यहाँ पर तीन में से नजर आता है, वनोन्मूलन का भी हमारा सही उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे आगे, और सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर हम आगे देखते हैं, इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और अगला वीडियो जो होगा हमारा लास्ट होगा एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का, और उसके बाद में हम कोई नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पर हमें काम करना चाहिए आगे। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित और सुबनसिरी, उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बराक किधर से बहती है? बराक असम से संबंधित नदी है, ठीक है। बाकी लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश के बारे में सही है। अगर आपने बराक को हटा दिया तो देखिए आपका उत्तर निकल कर आ जाता है, बी हमारा सही उत्तर होगा। दो होती है। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कुछ पहाड़ियां दी हुई है और कौन से क्षेत्र में है ये बात नहीं है। कार्डेमम पहाड़ियां, कार्डेमम पहाड़ियां आप जानते हैं कि दक्षिणी भारत में है, पश्चिमी घाट के नीचे नीलगिरी से नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो कार्डेमम मिलेगा, सामने दिया हुआ है कोरोमंडल तट, पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो कोरोमंडल तट तो पूर्वी घाट की तरफ आ जाता है, इसको हम गलत कर देंगे। कैमूर की पहाड़ियां विंध्याचल पहाड़ियों का हिस्सा है, कोंकण तट पर कहां से मिलेगी? विंध्याचल पहाड़ियां तो मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगी, तो इसको भी हम गलत कर देंगे। महादेव की पहाड़ियां सही है, मध्य भारत में ही आपको देखने को मिलती है, और मिकिर पहाड़ियां भी हमें उत्तर पूर्व पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलती है। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट मतलब में सुमेलित है सही तरह से, पहला और दूसरा नहीं है, सी हमारा सही उत्तर इसमें हो जाता है। ये था हमारा आज का वीडियो, आपको पसंद आया होगा। हम बहुत ही अच्छे तरह से कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को बेहतर रूप से एक्सप्लेन्ड वे में आपके सामने रखें, और क्योंकि अब लास्ट के इयर्स आ चुके हैं, पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर हम बात कर चुके हैं, तो अब हम चीजों को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत के 6-7 सालों के क्वेश्चन पर हमने एक्सप्लेन्ड वे में चर्चा की है, तो 10 सालों के क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। इनसे आपकी तैयारी को एक बेहतर डायरेक्शन मिलती है, आपको समझ में आता है कि किस तरह की चीजें हमें अपनी तैयारी के दौरान पहले से तैयार करके जानी है। जब आप बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की और उसकी स्ट्रेटेजी को लेकर, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियोज मिलेंगे समुद्र मंथन प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वीडियो मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के लिए हर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया गया है, और यह बताया गया है कि अगर इकोनॉमी की बात की गई है तो प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक के बारे में आपको बताया गया है, तो वहां पर जाकर आप अपनी तैयारी को एक शार्पनेस देने के लिए उन वीडियो को देख सकते हैं। काम आपको ही करना है, हम भी करेंगे, लेकिन जब तक आप इंक्लूड नहीं होंगे, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपकी तैयारी बेहतर नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो वहां उन वीडियो से आप मदद ले सकते हैं, आपको प्रीलिम्स बहुत आसान लगने लगेगा, आप बहुत ज्यादा तैयार होकर प्रीलिम्स के लिए जाएंगे, तो वो वीडियोस आप जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, बहुत सारा पढ़े लेकिन एक सही वे में पढ़े, सही दिशा में पढ़े, तो चीजों का फायदा मिलता है, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।